नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं 6 नंबर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रवि वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि मोदी जी ने कुछ कटाक्ष किए हैं उन पर जवाब देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मोदी जी ने एक कमेंट किया है कि जो कांग्रेस है वो धर्म को मुद्दा बना के सभी को आरक्षण दे रही है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जाति और धर्म के नाम पर इस देश में कौन लड़ा रहा है, कौन किस तरह की सौहार्द के खिलाफ बातें कर रहा है, वो तो पहले चरण के मतदान के बाद ही सबने देखा है कि जिस तरह में देश का प्रधानमंत्री एक सांप्रदायिकता से भरी बातें करता है, वर्ग विशेष के लिए टिप्पणियां करता है। आज कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव के साथ चलती है, देश में जिसने सभी के हितों के लिए प्रावधान किए, सभी के हकों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी सरकार में उन्नति और उनके विकास के लिए योजनाएँ चलाई। लेकिन आज पक्षपात रवैया कौन अपना रहा है, किसके राज्य में सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही, किसकी राज्य में जो है मेरे आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके जल जंगल में छीने जा रहे हैं, तो धर्म की आड़ में विमनस्ता का माहौल पैदा करने वाले अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। इसके बाद भी लेकिन कांग्रेस के जो कई बड़े नेता हैं वो लगातार भाजपा में जुड़े जा रहे हैं। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा सदैव इस देश के साथ रही है, इस देश की उन्नति के साथ रही है। जो कमज़ोर विचारधारा के लोग होंगे वो चले जाएंगे। आज से कुछ माह पूर्व आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में लगातार एक लाइन लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री और उनके कार्यकर्ता छोड़ छोड़ कर आ रहे थे। तो जो एक विचारधारा की लड़ाई है, जो मजबूत विचारधारा के साथ होगा वो कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, जो कमज़ोर होगा वो अपना रास्ता स्वयं चुन लेगा। जीतू पटवारी जी ने कहा था कि जो भाजपा में चले गए हैं उनकी कभी वापसी नहीं होगी, ये के मिश्रा का भी बयान था। उसके बावजूद भी हमने कई दिनों, अभी थोड़े दिनों पहले देखा कि एक जो विधायक हैं वो वापस आए हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली दोबारा, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कांग्रेस ने? नहीं, मैं माननीय जीतू पटवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनका जो निर्णय है वो पार्टी का निर्णय है और उसी पर ही जो भी मेरा वक्तव्य है बिल्कुल जायज़ रहेगा। अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे सारे लीडर्स हैं जो क्षेत्रों में लगातार एक सघन जनसंपर्क अभियान के तहत अपनी बात रख रहे हैं। इस देश में 4,500 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा के माध्यम से हमने इस देश की रीति को देखा, समझा, लोगों से सुझाव लिए, उनके अनुरूप अपने मैनिफेस्टो को तैयार किया, उनके आम जनमानस की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और उनकी महत्वाकांक्षाओं के दस्तावेज को तैयार किया। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है उनके हक अधिकारों के लिए लड़ती आई और आगे भी लड़ती रहेगी। बीजेपी के कई सारे रोड शो हो रहे हैं, जैसे कि अभी कल शाम को ही जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रोड शो किया है, ऐसे कांग्रेस के क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हर एक दल और अपनी पार्टी के अपने प्रोग्राम होते हैं, उन्होंने पहले कर लिया या हमने बाद में किया ये विषय नहीं होता है। विषय ये होता है कि कांग्रेस पार्टी या जो अन्य दल हैं वो किस दिलचस्पी के साथ इसको ले रहे हैं। तो राहुल जी लगातार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आला नेता भी दौरे कर रहे हैं। मैनिफेस्टो को तोड़ मॉडल को फेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए हितग्राही नहीं है, इसमें महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए, ये जो बयान है बड़ी ही निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहा है, अपने 10 साल का हिसाब देने की बजाय जनता में वो इस तरह की बातें करके केवल समाज में एक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, उस पार्टी के पक्ष में ये बातें कह रहे हैं जिस पार्टी ने अपने मंगलसूत्र तक को निछावर कर दिया, जिस पार्टी के नेताओं ने अपनी शहादतें दी हैं और इस तरह की वो तोहमतें लगा रहे हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इस देश की जनता जानती है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के विरोध में है, और जनता इस लोकसभा चुनाव में सबक भी सिखा देगी ऐसे लोगों को।